किसान होके अपने सारे बच्चों को इतना अच्छा एजुकेशन दिए, पूरा परिवार को जोड़ के रखे। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं इस घर की बेटी हूँ। और अगर आपका परिवार टूटा हुआ रहता है ना, लोग भी इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। परिवार के बारे में बोलते हैं ना तो बुरा लगता है, हर्ट होता है। आगे वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगी एक एक करके। क्लियर, हमारे पास घर नहीं है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपनी फैमिली के लिए। आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो का डिमांड कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा डर रही थी इस वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि हमें अकेले कभी मैं सिंगल बैठ के वीडियो नहीं बनाई हूँ। हमेशा हमारे हस्बैंड हमारे साथ रहते थे, सपोर्ट करते थे, अकेले कभी मेरे से नहीं हो पाया। और ये भी वीडियो मैं बना नहीं रही थी, हमारे हस्बैंड ने बोला तुम्हें बनाना पड़ेगा। और थोड़ा सा हमारे मायके के बारे में आप लोग बोल रहे थे कि बहुत गरीब है, कुछ नहीं है, घर नहीं है इन लोगों को, तो अच्छा नहीं लगता है। किसी के भी फैमिली के बारे में, मायके या ससुराल किसी के बारे में भी बोलो ऐसे तो अच्छा नहीं लगता। वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। इन्होंने बोला कि तुम वीडियो ये बना के डालो, बनाना पड़ेगा। और आप में से भी बहुत लोगों का डिमांड था कि आप अपनी फैमिली को कभी नहीं दिखाते हो, हर ब्लॉगर दिखाता है अपनी फैमिली को। हमारी फैमिली में यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, हमारा जो पूरा परिवार है। हमारे घर में बंटवारा नहीं हुआ है, हमारे दादाजी तक में बंटवारा नहीं हुआ है। सभी लोग एक साथ रहते, बस खाना अलग अलग बनता है। बाकी पहले जो घर बना हुआ था ना, दादाजी के पापा जो बनाए थे, वही घर बना हुआ है। थोड़ा बहुत हमारे दादाजी बनाए हैं, और दिखाऊंगी मैं एक घर बन रहा है वही बना, क्योंकि दादाजी बनाए थे इसलिए क्योंकि हमारे पापा दो भाई थे, दोनों की शादी हो गई थी तो रहने में दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने घर बना लिया। बाकी बंटवारा वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा अभी घर का दिक्कत है। बाकी आपको आगे वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगी एक एक करके, क्लियर जो भी है हमारी फैमिली के बारे में, कौन कैसे है, हमारे बाबा कितने भाई हैं, सब कोई कैसे एक साथ रहते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये था कि हमारी दादी नहीं दिखती है। जब भी आप लोग आते थे तो आपकी दादी दिखती थी, तो हमारी दादी नहीं रही। 2 नवंबर को उनका डेथ हो गया था, अचानक से तबीयत खराब हुआ, वो वेंटिलेटर पे गई और फिर वो चल बसी। पहले 10 साल से वो बीमार रहती थी, मुझे लगता है 5 साल तो वो बेड पे रही है। अच्छी खासी थी, अचानक से तबियत खराब हुआ, 3रे दिन उनको ले जाया गया हॉस्पिटल, तुरंत डेथ हो गया। पता नहीं तो कई बार ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा बीमार रहती थी और हॉस्पिटल जाती थी और आराम से आ जाती थी, लेकिन इस बार पता नहीं तबियत खराब हुआ था, नॉर्मल तबियत खराब हुआ था, हॉस्पिटल गई, वेंटिलेटर पे डाला, तुरंत पता चला कि नहीं रही। और नवंबर में आपने देखा होगा कि हमारा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था, इसी वजह से हमारा ब्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि दादी नहीं थी। अपने लोगों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि ब्लॉग बनाए, ये करें वो करें, तो इस वजह से हमारा कोई भी ब्लॉग वगैरह उस टाइम नहीं आ रहा था। इस वजह से आप लोगों को नहीं पता चला होगा दादी के बारे में। और दादी के कारण ही हमारी शादी इतनी जल्दी हो गई थी। हमारी 2 बुआ हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, हमसे ज़्यादा एज है उनका, बट उनकी शादी नहीं। हमारी दादी जो है हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और उनका था कि मतलब जिया की शादी हम खुद करेंगे, और हमारी शादी का जो भी खर्चा है ना उन्होंने खुद उठाया था, हमारे पापा का उसमें कुछ भी नहीं लगा था। मैं बता दूं, हमारे जो बाबा है ना, 5 भाई हैं, सबसे बबड़े हमारे बाबा हैं। हमारे बाबा को 2 बेटा है, जिसमें कि एक हमारे पापा और हमारे पापा से एक छोटा भाई था जो अभी नहीं है, हमारे चाचा, उनको 2 बेटा है। जब वो हमारा भाई मतलब बहुत छोटा था, 5 साल का था ना, उस टाइम हमारे चाचा नहीं रहे। जितना भी पढ़ाई लिखाई का जो भी होता है खर्चा, सब कुछ हमारे बाबा अभी तक उठा रहे हैं। हमारे बाबा टीचर थे, अभी रिटायर कर गए। हमारी दादी भी गवर्नमेंट टीचर नहीं, प्रिंसिपल थी स्कूल की, दादाजी और दादी दोनों। और एक चीज मैं बताना भूल गई, बता देती हूँ, हमारी एक बुआ भी है जो कटिहार में ही रहती है, मेरी शादी उन्होंने ही करवाया था, जिनका 2 बेटा है, गोलू और मोलू। इसको तो कौन नहीं जानता होगा, जो भी हमारे ब्लॉग रेगुलर देखते होंगे उनको तो होगा गोलू और मोलू, क्योंकि मोलू बराबर आते रहता है और हम लोग भी जाते रहते हैं। आप ऐसे कुछ लोग कहते थे ना कि जिया का मायका कितना नज़दीक है, तुरंत जाती है, तुरंत आ जाती है, तो हम अपनी बुआ के घर जाते थे, कभी भी कुछ भी फंक्शन होता था तो पास में ही था, 5 मिनट की दूरी पे हमारे घर से, तो बराबर जाते रहते थे। और दूसरे नंबर पे जो हमारे बाबा थे वो भी नहीं रहे, उनका भी बहुत कम उम्र में डेथ हो गया था। उनको 2 बेटी और 1 बेटा, उस टाइम हमारी दोनों बुआ की शादी नहीं हुई थी, और सारा जो खर्चा होता है एक शादी कराने में दोनों बेटियों की, वो सारा कुछ हमारी फैमिली, हमारे जितने भी बाबा हैं सभी लोग मिलके एकजुट होके सारा कुछ मैनेज किए। और हमारे चाचा जो हैं वो भी पढ़ाई किए, उसके बाद अभी उनका जॉब है, डिफेंस विभाग में है, कुछ अच्छे पोस्ट पे है, मैं उतना मुझे याद नहीं है कि कौन से पोस्ट
पे, अच्छे पोस्ट पे हैं। और तीसरे नंबर पे जो हमारे बाबा थे वो भी नहीं है, उनको दो बेटा है। एक सबसे बड़ा वाला जो बेटा है ना, वो ग्वालियर के श्रीराम कॉलेज से पास आउट है। आप समझ सकते हो कि एक नॉर्मल फैमिली से होकर के इतना अच्छा एजुकेशन देना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उनका दूसरा जो बेटा है ना, 1 to 10 वो डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़े हैं, भागलपुर के डॉन बॉस्को स्कूल से। उसके बाद वो कोटा में रह के पढ़ाई किए हैं, बाकी अभी और तैयारी कर रहे हैं। और उनकी मम्मी जो है हमारी दादी, वो गवर्नमेंट टीचर है। लेकिन जितना भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा होता है, हमारी पूरी फैमिली जो हमारे घर का मालिक है, सभी लोग मिल के उठाते हैं। उनमें किसी का एक रुपया नहीं लगा है, सभी लोग मिलके करते हैं। और चौथे नंबर पे जो हमारे बाबा है ना, उनको दो बेटा एक बेटी है। ननिफा को तो आप लोग जानते होंगे, बहुत बार दिखाया है हमें अपने ब्लॉग में। और चाचा जी जो हैं हमारे, वो नहीं रहते थे यहाँ पे, अभी हैं फिलहाल, अभी आए हैं वो, तो मैं दिखाऊंगी कभी होगा तो। वो कलिंगा यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। कलिंगा यूनिवर्सिटी तो बहुत लोग जानते होंगे, सभी कोई जानते होंगे, वहाँ पे पढ़ाना इतना आसान नहीं है, वो भी किसान फैमिली से होकर के। और दूसरे नंबर पे जो उनका बेटा है ना, हमारे चाचा जी शुभम चाचा, वो तो आप लोग कभी कभी देखे ही होंगे, क्योंकि वो अभी भागलपुर में रह के ही पढ़ाई कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे हमारी बुआ है, जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, उनकी भी शादी होगी, लड़का ढूंढा जा रहा है। अब एज तो हो ही गया है, लड़का ढूंढा जा रहा है, जब शादी होगी, शादी का व्लॉग आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा, जब शादी होगी तो मैं जरूर बताऊंगी, अभी लड़का ढूंढा जा रहा है उनके लिए। और पांचवें नंबर पे जो हमारे बाबा है ना, उनको एक बेटी एक बेटा है। बेटा आर्यन है, जो आपने देखा होगा अभी उसका रिजल्ट आने वाला है, 10th का एग्जाम दिया है वो, तो उसका रिजल्ट आएगा कुछ दिनों में, बता रहा है मई के लास्ट वीक या फर्स्ट वीक में आएगा, पता नहीं जब भी आए। बेटी जो है उनकी बड़ी है, उनका नाम अंजलि बुआ है, जो आप लोग देखते होंगे, अभी वो घर पे ही रहती है, घर से ही उन्होंने पढ़ाई किया है। उनका भी अभी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और आगे की पढ़ाई कर रही है। जब नन्ही बुआ की शादी हो जाएगी, फिर अंजलि बुआ की शादी होगी। सबको अच्छा एजुकेशन मिला है, सभी लोग मिलके, अगर सभी मिलके नहीं करते ना, तो पूरा परिवार बिखर जाता। तो हमारे घर में अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, और सारा कुछ सब कोई मिलके मैनेज कर रहा है, और अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो जिन्होंने भी हमारे मायके को गरीब बोला है, आपके लिए जवाब था। और आप समझ सकते हो, हमारे सिर्फ एक बाबा गवर्नमेंट टीचर थे, बाकी सभी किसान। किसान होके अपने सारे बच्चों को इतना अच्छा एजुकेशन दिए, पूरा परिवार को जोड़ के रखे, और इतना दिन जोड़ के रखना सबके बस की बात नहीं होती है। और अभी क्या होता है कि शादी होती है, सभी अलग हो जाते हैं, लेकिन इतना दिन सब कोई मिलके रहा, और मिलके रहा तभी इतना कुछ हो पाया, नहीं तो पॉसिबल नहीं था इतना सब कुछ अच्छे से हो जाना, जितना भी हुआ, पढ़ाई लिखाई, हमारी बुआ की शादी, जो भी होता है सब कुछ। सिर्फ हमारे पास घर नहीं है, घर इसलिए नहीं है, किसान हो करके इतना अच्छा एजुकेशन देना, तो पैसा तो पेड़ में फटता नहीं है कि तोड़ के लाए और सब कुछ कर लिया मैनेज, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज है, अभी बंटवारा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, कौन कहाँ घर बनाएगा, जब बंटवारा हो जाएगा ना तब घर बनेगा, इसलिए क्योंकि बंटवारा आज ना कल होना ही है। हमारी दो बुआ बची हुई है अभी शादी के लिए, जब इन दोनों की शादी अच्छे से हो जाएगी, जैसे सब लोगों की शादी हुई, सबका अच्छा एजुकेशन मिला, सबको, सबके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिला, दोनों बुआ की जब शादी हो जाएगी फिर सोचा जाएगा। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे कोई नहीं रहता, बहुत कम लोग रहते हैं, तो इस वजह से जो जहाँ पे जैसे जॉब कर रहा है वहाँ पे अपना प्लॉट ले लिया है, वहाँ पे घर बना रहा है, तो गाँव में कोई रहता नहीं है, तो गाँव में घर बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और हमारा घर बन रहा है, मैंने किसी व्लॉग में दिखाया था कि बहुत बड़ा सा घर बन रहा है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, रूम में लाइट कट गया था तो मुझे बाहर आना पड़ा, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं इस घर की बेटी हूँ, जिसको जो कहना है कहे। कहते हैं ना कि अगर कोई जवाब नहीं देता है तो बार बार लोग कमेंट करते हैं, इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और अगर आपका परिवार एक साथ है ना, तो कोई भी मुश्किल बड़ा नहीं होता, एक साथ मिलकर हम संभाल सकते हैं चाहे कैसा भी मुसीबत आए। और अगर आपका परिवार टूटा हुआ रहता है ना, लोग भी इस चीज़ का फायदा उठाते हैं, बहुत लोग फायदा उठाते हैं, तो हमेशा अपने परिवार को लेकर के चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। और दूसरी चीज़ें, हमारा घर बन रहा है, घर बन जाएगा, और हमारी जो बुआ है ना, उनकी शादी हो जाएगी, घर ही कुछ दिनों में होगी, अभी लड़का ढूंढा जा रहा है, उन्होंने भी अभी वो PG कंप्लीट करके PhD कर रही हैं। जब उनकी शादी होगी तो उसमें हमारे पूरे परिवार वाले आएंगे, तो मैं उस व्लॉग में आपको सबको दिखाऊंगी, जो भी आएंगे शादी में परिवार वाले, तो आएंगे
आएंगे ही शादी में, मैं सबको दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसा फालतू कमेंट किसी भी मेरे लिए नहीं, किसी भी फैमिली के बारे में नहीं बोलिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि हर चीज दिखाना बताना जरूरी नहीं, मैं समझती हूँ इन सब चीजों को। इस वजह से अभी तक मैंने नहीं बोला था अपने परिवार के बारे में। बुरा लगता है, कोई भी किसी के परिवार के बारे में बोलता है ना तो बुरा लगता है, हर्ट होता है, लेकिन मैं जरूरी नहीं समझती हूँ कि हर चीज का जवाब देना। लेकिन कोई बात नहीं, ये व्लॉग बनाया मैंने, जैसे हो पाया मैंने बनाया, बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, पतिदेव इतना ज्यादा बोल रहे थे ना तो मुझे लगा चलो मैं बना लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।